पीकू ने फोड़ दी गुल्लक, इतने सारे पैसे, ये 500 के मिलते जा रहे हैं। हमारे ये पैसे निकले हैं तो गाइस 8600 हो चुके हैं और अभी भी कुछ नोट बचे हैं गुल्लक में। ये कितनी खुशी हो रही है, अमीर बन गए। तो गाइस ये हमारी बेटी अमीर बन। हेलो गाइस, आज मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती करने का आइडिया आ रहा है, तो मैंने सोचा घर में एक गुल्लक रखी है 6 महीने से जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसे फोड़ दूँ, पर घर वाले सभी लोग तैयार नहीं है इसको फोड़ने के लिए। मैं चाह रहा हूँ फोड़ू और देखो भाई 6 महीने से कितने पैसे जुड़ गए। इस गुल्लक के बारे में आकांक्षा से पूछ लेते, आकांक्षा फोड़े या रहने दे? अरे नहीं फोड़ो ना यार, सारे पैसे खर्च कर दोगे। तो गाइस आकांक्षा को तो लगता है कि मैं सारे पैसे खर्च कर दूंगा, चलो मम्मी से पूछते वो क्या कहती है इस बारे में। फोड़ दे गुल्लक। अरे बेटे क्यों फोड़ो, इसमें पड़े ही रहेंगे, तुम तो सारे खर्च ही कर दोगे। पीकू गुल्लक फोड़ दे या रहने दे? नहीं पापा, आप सारे पैसे खर्च कर दोगे, फिर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। तो गाइस सब मना कर रहे हैं गुल्लक फोड़ने के लिए, पर मेरे दिमाग में चल रहा है कि फोड़ के एटलीस्ट देख तो लो कि 6 महीने में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। एक लास्ट उम्मीदवार बचा है बताने के लिए, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, 3 लोगों ने मना कर दिया, बस मेरी छोटी बेटी बची है, उससे पूछ के देखते कि वो क्या कहती है। बेटा गुल्लक फोड़ दे। तो गाइस श्री अभी छोटी है तो अभी ये बोल के नहीं बता सकती, तुम पलक झपका दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी हाँ है। झपकाओ 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 झपकाओ। अरे श्री क्या कर रही है? श्री पलक झपका दो, मैं हाँ समझ जाऊंगा। ये श्री के हाँ बोलने के बाद पीकू ने भी अपना दल बदल लिया। पीकू गुल्लक फोड़ दे। तो गाइस ये वोटिंग में हम जीत गए हैं, मैंने, पीकू ने और श्री तीनों ने हाँ बोल दिया, तो इसका मतलब ये गुल्लक फूटेगी। तो गाइस ये तो फाइनल हो चुका है कि गुल्लक फूटेगी, पर आकांक्षा कुछ कहना चाह रही है, बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस गुल्लक में से जितने भी पैसे निकलेंगे उसमें आपको 1000 ऐड करने के। इसका कहना है कि गुल्लक तो फोड़ दो पर नई गुल्लक लाओ और उसमें ये पैसे भी डालो और 1000 रुपए भी डालो। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब मुझे नहीं लगता, आपको सिर्फ चेक ही तो करना है कि कितने पैसे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो गुल्लक में ही रहे, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरी गुल्लक लाओ के उसमें। तो गाइस इसकी बात भी सही है, अगर पैसे निकाल के अपने पास रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि खर्च हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस गुल्लक को फोड़ते हैं, इसमें जो पैसे मिलते हैं नई गुल्लक ला के उसमें डाल देंगे, प्लस मेरी तरफ से मैं 1000 रुपए भी डाल दूंगा। तो चलो चलते हैं गाइस नई गुल्लक लेने के लिए। गाइस चेक करना है कि पैसे डालेंगे भी या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल डालूंगा यार। तो गाइस मैं और पीकू जा रहे हैं अभी गुल्लक लेने के लिए, ठीक है? कैसी गुल्लक लानी है? बहुत अच्छी सी। अच्छी सी लानी है तो हाँ। अच्छी वाली गुल्लक लेने जा रहे हैं मैं और पीकू, ठीक है चलो। कौन सी पसंद आ रही है आपको? बड़ी वाली। कौन हाथ लगा के बताओ कौन सी वाली पसंद आ रही है? ये वाली, चलो ये वाली ले लेते हैं। अरे आंटी ज्यादा की दे रही है, देखो चलो ले बेटी वाली उठा लो, चलो हाँ पन्नी में डाल दो। धीरे से उतरना, कोई बात नहीं, आप ही के पास है। बदल तो दोगे ही, दुकान पे ही सामान है, बाहर नहीं गया अभी। कहाँ छेद है? कुछ नहीं बेटा, इससे कोई बात नहीं। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं गुल्लक, वेरी गुड, पापा भूल गए थे इसको क्या बोलते हैं। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं फाइनली गुल्लक, और इसको लाने का मेन रीजन ये था कि अगर हम नहीं लाते ना तो पैसे गुल्लक को फोड़ के निकल जाते पहली वाली जो है, और फिर वो पैसे ना खर्च होते रहते, तो उसको फोड़ने से पहले हमने नई गुल्लक लिया है, तो अब ये है कि उसको फोड़ देंगे और उसके पैसे साथ के साथ इसमें डाल देंगे। तो चलो आ गए हैं, तो चलते हैं। रखो। अरे यार ये तो इस वाली से तो बहुत बड़ी है, इस हिसाब से तो आपको ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। तो गाइस अब हम इस गुल्लक को फोड़ने वाले हैं क्योंकि हमारी नई गुल्लक आ गई है, तो चलो अब इसको फोड़ते हैं। पापा मैं फोड़ूंगी इसे। आप फोड़ोगे? कैसे फोड़ोगे बताओ? ऐसे। लो पकड़ो अपने हाथ में, क्या करोगे आप बताओ? फेंकना मत नीचे, धीरे से मारना, ठीक है, फर्श में, चलो करो। गाइस पीकू फोड़ना जा रही है। तो गाइस पीकू जिद कर रही है गुल्लक फोड़ने के लिए, तो मैं ना फोड़ के इससे फोड़वाता हूँ। ये भी लक्ष्मी है, देखो लक्ष्मी कितनी लक्ष्मी हमारे घर में लेके आती है। पीकू फोड़ने वाली है, तुम कुछ कह रही थी? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी गुल्लक फोड़ने वाली है। कोई नहीं पीकू बेटा फोड़ो, चलो मेरी मेहनत की कमाई है। मारो जमीन, मारो धीरे से।
ऐसे थोड़ी ना फूटेगी, मारो फिर से मारो। हाँ हाँ हाँ, ओ ओ ओ, ओ मारो एक और बार मारो। ओ नहीं फूट रही, नहीं फूट रही, मारो मारो। ओ पीकू ने फोड़ दी गुल्लक, इतने सारे पैसे, ये पीकू को पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ऐसे फेंकते नहीं है बेटा। गाइस फूट चुके हमारी गुल्लक और ये मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी गुल्लक फूट गई है। तो गाइस गुल्लक फूट चुकी है और अब यहाँ पे आकांक्षा इन पैसों को गिनेगी। गिनोगी ना? मेरे से नहीं गिने जाएगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरी गुल्लक फूट गई है। तो सबसे पहले मैं 500 के नोट को इकट्ठा कर रहा हूँ, बड़े वाले नोट। 2000 के नोट तो बंद हो गए हैं, वरना सबसे पहले 2000 वाले उठाता। अभी 500 के भी 5-6 नोट निकले, लग रहा है कुछ पैसे निकलेंगे। ये 500 के मिलते जा रहे हैं, जितने ज्यादा 500 के नोट होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। 500 के, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 500 के सारे नोट उठा के दो बेटा। तो गाइस मैं ना सोच रहा हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा निकल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। और देखो बेटा 500 का है कोई? तो गाइस बस 500 के तो यही नोट निकले हैं और नहीं 500 के। तो गाइस ये रहे 500 के, इतने नोट निकले हैं, इनको हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब उससे छोटा नोट 200 का ढूंढते हैं। बेटा 200 का पता है ना आपको कौन सा है? गाइस अब 200 का नोट सारे इकट्ठे करते हैं। हाँ नहीं ये वाला नहीं बेटा, वो तो होता है। ये रहा 200 का। गाइस 200 के भी है पर उतने नहीं है। हाँ वेरी गुड, ये वाला, ये वाला। हमारे ये पैसे निकले हैं, सबसे पहले ये 500 के नोट निकले हैं, 200 के निकले हैं, 100 के निकले हैं, 50 के, 20 के और 10 के। अब पता नहीं 10 के नोट तो मैंने तो कभी डाले नहीं है, किसने डाले हैं पता नहीं। मैंने तो ये 500, 200 और 100 वाले डाले हैं। तो चलो अभी फटाफट इनको गिनते, देखते कितने हो रहे हैं। अब ये करवाएंगे काम हम अपनी मम्मी से। तो गाइज मम्मी अभी यहाँ पे इनको गिनना शुरू कर रही हैं। कितने है मम्मी? 13 नोट, मतलब 6,500 रुपए ये हैं। हमारे 500 वाले नोट 6,500 हो गए हैं। तो मम्मी जी ये गिनो। गाइज ये बहुत दिनों से रखे थे तो इनका नोटों का हाल कुछ इस तरीके का हो गया। लो मम्मी इन्हें भी गिनो आप। तो गाइज अब हम 100 के नोट गिनवा रहे हैं अपनी माता जी से, देखते 1100 रुपए। तो गाइज 8,600 हो चुके हैं और अभी भी कुछ नोट बचे हैं। देखो 10,000 पहुंच जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो गाइज अब 50 के नोट गिन रहे हैं, 12 मतलब 600 रुपए प्लस 600। गाइज ये हो गए 9,200 रुपए। अब ये यार 10,000 हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद कम लग रही है क्योंकि अब 20 और 10 के नोट ही बचे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो गाइज ये 11 है। ये हो गए हमारे 220 रुपए, 9,420। अब देखो 420 हुए 420 आदमी के 420। हमारे ये 10 के नोट बचे हैं। अब 420 ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए, देखो कितने निकलते हैं ये। अब तो आकांक्षा भी हमारे सर पे खड़ी है देखने के लिए कितने पैसे। 10,000 हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें पता है कितने रुपए दूंगा? 2,000 चाहिए मुझे। 2,000 दूंगा अगर 10,000 हो जाएंगे तो, ठीक है 12,000 कर देंगे अगर ये हो गए तो। ठीक है हमारे पैसे बस ये 10 के नोट हैं ना मम्मी, 110। इन्हें भी रख दो इधर ही। तो गाइस कितने हो गए हमारे प्लस 110 रुपए हैं ये 110। तो गाइस हमारे निकले हैं 9,530 रुपए गुल्लक में। ये कितनी खुशी हो रही है, अगर 10,000 होते ना तो ज्यादा मजा आता तुम्हें। कोई नहीं, हम इसमें 2,500 लगा देना। 2,500? 2,500 की लगाऊंगा। 500 लगा के 10,000 हो जाएंगे। गाइस 9,530 रुपए बैठे टोटल देख रहे होगे आप। तो अभी एक काम करते, सबसे पहले तो ये 500 रुपए मिला देंगे तो कितने हो गए 10,000 हो जाएंगे। और मेरी तरफ से ये 1,000 रुपए ये हो गए 11,000 और मेरी तरफ से एक और 1,000 रुपए ये हो गए 12,000 रुपए। टोटल 12,000 रुपए डाल देते हैं हम इस गुल्लक में और अगले 6 महीने के बाद हम बीटी पे डालते हैं। अगले 6 महीने के बाद फिर से इस गुल्लक को फोड़ेंगे। चलो बताओ फोड़ेंगे 6 महीने के बाद? अम्मानी बन गए आप? अमीर बन गए। तो गाइस ये हमारी बेटी अमीर बन चुकी है इस गुल्लक से, इसके 9,500 रुपए निकले और ये अम्मानी बन चुकी है। तो गाइस अब ये पैसे मैं मम्मी को दूं, मम्मी लो इनमें मिला दो ये। तो गाइस अब ये 12,000 रुपए हो गए हैं, 12,000 रुपए इसमें डालने शुरू करते हैं। चलो फटाफट डालते हैं।
तो गाइज हमारे 11-12 हज़ार रुपये हो चुके हैं और डिसाइड हो गया था कि गुल्लक में डालेंगे, लेकिन अभी हमने घर में डिस्कशन करा तो ये निकल के आ रहा है कि अगर हम इन्हें 6 महीने के लिए इसमें डाल देंगे तो फिर ये इसी में बंद रह जाएंगे। तो मेरी बेटियों की सुकन्या है या फिर म्यूचुअल फंड्स है तो इन पैसों को सोच रहा आप उसमें डाल दो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट करो कि मुझे इन पैसों का क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो विचार है कि गुल्लक में डालने से अच्छा तो सुकन्या में डाल दूं या फिर कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ शेयर लेके डाल दूं। देखो मैं तो एक नॉर्मल आदमी, तो मुझे तो यही 3-4 चीजें पता है जिनमें मैं कर सकता हूं, तो मैं तो अभी इनको फिलहाल वहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि गुल्लक में डालने से तो ये पैसे वैसे के वैसे 6 महीने के लिए बंद जाएंगे, अगर और कहीं डालूंगा तो ये 12,000 के 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं तो इसमें ना डाल के अब इसमें नए पैसे इकट्ठे करेंगे। तो गाइस ये आ गई है तो अब इसमें पैसे आगे के लिए इकट्ठे करते हैं, लेकिन जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उन्हें जाके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम 6 महीने के बाद अब से आज से फिर पैसे डालना शुरू करेंगे और 6 महीने के बाद इसे फोड़ेंगे, फिर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी ये जो पैसे हैं मैं गुल्लक में ना डाल के, विचार तो था गुल्लक में डालने के लेकिन अब पूरी तरह से चेंज हो गया, अब इनको डालते हैं हम अपने किसी सुकन्या में या फिर म्यूचुअल फंड में, जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो कर लूंगा। तो गाइस फाइनली ये वीडियो आ गया है एंड होने पे, मतलब अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं और सच में बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसे निकलेंगे, इतने पैसे निकले तो बहुत अच्छा लगा। और प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि इन पैसों का हमें क्या करना चाहिए, सुकन्या में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या फिर शेयर खरीद के डालना चाहिए या FD कर देनी चाहिए, मतलब वो आप लोग पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे जो भी अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के सजेशन से मैं वही चीज करूंगा। और वीडियो को यार जरूर लाइक करना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल से बनाते हैं वीडियो, बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं। और बाकी अब इन लोगों की भी सुनो ये क्या कहते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय गाइस।